ऑनलाइन वेलकम टू नीता क्लास 12 के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आज हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो होते हैं जो हम देख नहीं पाते बट हमारे आसपास बहुत सारे मौजूद हैं। चलिए पहले इसकी हेडिंग लिखते हैं। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि माइक्रोब्स जो कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर में होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस में यूज करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। ठीक है, अगर आपने खाई ब्रेड, अगेन बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेवेरेसी, तो ये जो है माइक्रो। अगर आपने खाया आलू का पराठा और दही, दही अगेन किसका वर्क है? लैक्टोबैसिलस। अगर आपने खाया इडली, डोसा या उत्तपम, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है डो में, किसका काम है? माइक्रोब्स का। और अगर आज आपने मॉर्निंग में नाश्ते में पास्ता खाया विद चीज, तो चीज भी माइक्रोब्स का ही काम है। तो ये अगर आप देखेंगे अपने आसपास तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रोज यूज करते हैं, हम आसपास देखते हैं, जो कि हमारे लिए माइक्रोब्स ने की होती है। अब अगर हम बात करें हमारे खुद की बॉडी के अंदर भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं आपकी ब्रेड की, लेट्स से, ठीक है, ब्रेड की बात करें, कौन करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेस, या फिर हम इसको कहते हैं बेकर्स यीस्ट। इसकी वजह से जो आपकी ब्रेड होती है, जिसमें एक टेक्सचर होता है, पैटर्न होता है, वो इसकी वजह से होता है। साथ ही साथ यीस्ट जो होती है बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। कुछ लोग केक्स में करते हैं, कुछ लोग और ब्रेड्स बनाने में, दुनिया मतलब बिस्किट्स अगर आप कहें, कुकीज में भी कभी कभी यूज होती है, केक्स में भी यूज होती है। तो ये सब काम होता है बेकर्स यीस्ट का। कर्ड की बात करें, हम सबका फेवरेट दही, इसमें होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ये आपका एक एसिड सिक्रीट करता है जो कि मिल्क जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कोएगुलेट करता है, अल्टीमेटली दही बनता है। आपको पता है दही का प्रोसीजर कैसा होता है? आपने देखा होगा मदर्स क्या कहती हैं दही को बनाने के लिए। सबसे पहले तो दूध उबाला जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। उसमें हम एक डालते हैं जामुन या खट्टा जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा दही होता है बेसिकली, और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। क्यों? उस स्टार्टर या इनोक्युलम या जामुन या खट्टे में, जो एक ही वर्ड है सबके लिए, इसमें स्टार्टर की तरह मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। तो इनका काम क्या है? एक एसिड रिलीज करना जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अल्टीमेटली आपके पास दही होगा। इसके अलावा हम बात कर रहे थे इडली डोसा की, राइट? इडली डोसा में भी जो डो यूज होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसकी वजह से पफ्ड अप होता है। इडली डोसा कैसे करते हैं? भिगोते हैं दाल और चावल, 7-8 घंटे बाद उसको पीसते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप राइज होना शुरू होता है। वो जो राइज हो रहा है दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अगेन किसका प्रोसेस है? बैक्टीरिया का। तो ये भी एक तरीके से बैक्टीरिया का, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ड्रिंक्स होते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, जैसे कि तौड़ी, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे रीजन में पिया जाता है जहां पे पाम ट्रीज होते हैं, खजूर के, इनसे एक सैप निकलता है, एक लिक्विड, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और एशियन कंट्रीज की, जैसे जापान हो गया, वहां पे सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है, मिसो सूप बनता है उससे। उसमें बहुत ज्यादा जो भी फर्मेंटेशन होती है बेसिकली वहां पे, चाहे आप सोयाबीन की बात कर लें, बैम्बू की बात कर लें, इवन वो फिश ऑयल के साथ उसको मिक्स करके खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो माइक्रोब्स का काम है। जो भी फर्मेंटेशन होगी that will only be possible because of the microorganisms involved in it. यानी कि fermentation अगर हो रही है तो 100% उसमें microorganism involved है।
इसके साथ ही साथ एक फेवरेट जो चीज है सबकी वो है चीज इटसेल्फ। अलग अलग टाइप की चीज अवेलेबल होती है मार्केट में, राइट? तो ये जो चीज है इसमें भी हर एक का अगर आप देखेंगे अलग अलग टाइप्स हैं। अगर हम बात करें चेडर चीज होती है, मोजरेला चीज होती है, रॉकफोर्ट चीज होती है, और भी कई टाइप की होती हैं। तो इनमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर है, टेक्सचर है, अगर हम पार्मेजान की बात करें, पार्मेजान के इतने बड़े बड़े टायर्स बनते हैं, 3 बैक्टीरिया मिलके उसको कन्वर्ट करते हैं मिल्क को पार्मेजान चीज में। तो हर एक का अपना प्रोसीजर है, हर एक के कुछ अलग अलग बैक्टीरिया है। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, देखा होगा आपने कि चीज का बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसमें खूब बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो वो चीज होती है स्विस चीज। स्विस चीज में जो होल्स होते हैं ये अगेन एक बैक्टीरिया का काम है, और जिसका नाम है प्रोपायनो बैक्टीरियम शर्मन। ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से स्विस चीज में होल्स होते हैं। एक और चीज आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, रॉकफोर्ट चीज। कौन सी? रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक टेस्ट होता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगाई को उस पर ग्रो करके मिलता है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हम चीजें यहाँ देख रहे हैं, दे ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हरकतें। यानी कि जो भी हम लोग, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, ब्रेड की बात करें, दही की बात करें, इडली डोसा की बात करें, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन देम। तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग अपने हाउस होल्ड में यूज करते हैं, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम आप बहुत सारी चीजें हैं, देख लीजिए दही जहां जहां बढ़ेगा वहां पे आप इनडायरेक्टली माइक्रोब्स कंज्यूम कर रहे हो। तो ये सब जो हमारे लिए पॉसिबल होती जा रही है चीजें, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि रोज के टाइम में, रोज की जिंदगी में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का हाथ जो है। बहुत इजी है, सिंपल सा है, एक बार रीड कर लेंगे, क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, योर कॉन्सेप्ट विल बी परफेक्ट। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डू टेल अस। ऑल्सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ हमारे साथ इंटरेक्ट करिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, विच आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट, बताइए हमको कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में। आई एम वेरी ग्लैडली हेल्प यू आउट। सो इन द टाइम्स ऑफ कोरोना स्टे सेफ, स्टे होम, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान लगा के रखिए, कीप स्टडिंग, टेक केयर।